गाइज आज हम बात करने वाले हैं आई सर्वाइव्ड ज़ॉम्बी हॉलोकॉस्ट नाम की एक हॉरर कॉमेडी मूवी को जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। तो गाइज इस वीडियो को एंजॉय जरूर करना है। तो अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम तीन लोगों को देख पाते हैं जिसमें एक लड़की और दो लड़के थे जो कि ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहे थे। भागते भागते वो एक वुडन गैरेज में पहुंच जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं, पर ज़ॉम्बीज बहुत सारे थे तो वो गेट तोड़कर अंदर आने लगते हैं। तो इनमें से जो दो लोग थे वो उन ज़ॉम्बीज को गन से भूनने लगते हैं। तभी उन लोगों में से एक अपनी लेजर गन निकाल लेता है और उन ज़ॉम्बीज पर शूट करने लगता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी के चीथड़े उन पर गिरने लगते हैं और इन तीनों में से जो लड़की थी वो जोर से चिल्लाने लगती है। अब गाइज एक्चुअली अभी तक जो कुछ भी हमने देखा वो असल में फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उस एक्ट्रेस का नाम था जेसिका वैलेंटिन जो कि रेसिडेंट एविल की जिल वैलेंटिन का रेफरेंस है। खैर वो एक्ट्रेस डायरेक्टर के पास जाकर कहने लगती है कि ये सब कुछ तो स्क्रिप्ट में नहीं था, जिसके ऊपर वो डायरेक्टर कहता है कि इन्हीं बातों से इम्पैक्ट पड़ता है और तुम्हारे शरीर पर जो गंदगी फैली हुई है उसे साफ कर दिया जाएगा, तो तुम बेफिक्र रहो। उसके बाद डायरेक्टर हैरल्ड नाम के राइटर से पूछता है कि क्या तुमने एंडिंग सीन भी लिख लिया है, जिस पर हैरल्ड हाँ में जवाब देता है, पर असल में हैरल्ड ने एंडिंग नहीं लिखी थी। उधर दूसरी तरफ हम वेस्ली नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि रनर का काम करने के लिए यहाँ पर आया होता है। अब रनर वो होता है जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के अंडर काम करता है। खैर उसे टेन वहाँ पर लेकर आया था ताकि वो डायरेक्टर से मिल सके। जाते जाते वेस्ली सुजन को देखता है जो कि शेफ का काम करती थी। सुजन की ट्रॉली में से एक एप्पल गिर जाता है जिसे वो उठाती है। वेस्ली उसे देखकर वहीं पर रुक जाता है और इतने में जो पूरी ट्रॉली थी वो अचानक से गिर जाती है। वेस्ली उसका सामान समेटने लगता है पर उसे देखकर टेन उसे कहता है कि हमें आगे जाने के लिए देर हो रही है, तो ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं। देन वेस्ली डायरेक्टर से मिलता है और वहाँ पर एक एक्टर की तबीयत खराब थी तो डायरेक्टर वेस्ली को काम पर रख लेता है और उसे पहला काम देता है। वो उस बीमार एक्टर को गांव में ले जाने के लिए कहता है ताकि उसे डॉक्टर की ट्रीटमेंट मिल सके। जब वेस्ली उस एक्टर को लेके जा रहा होता है तब वहाँ एक संकीट डॉक्टर आता है जो कि उसे कहता है कि असली ज़ॉम्बीज यहाँ पर आ रहे हैं, जिसे देखकर वेस्ली डर जाता है। जिस पे वो एक्टर कहता है ये तो सिर्फ एक पागल डॉक्टर है, उस पे ध्यान मत दो। तो उस डॉक्टर को नजरअंदाज करके वेस्ली उस बीमार एक्टर को एक होटल में ले जाता है जहाँ पर उस एक्टर का रूम था। वेस्ली काउंटर पर बैठी लेडी से डॉक्टर को कॉल करने के लिए कहता है, जिस पर वो लेडी कहती है कि वो खुद भी बीमार है तो वो डॉक्टर को कैसे बुलाएगी। और वहीं पर उसका हस्बैंड भी था जो कि बहुत अजीब तरीके से चिल्ला रहा था। वो काउंटर वाली लेडी कहती है कि वाटर सप्लाई के कारण जितने भी लोगों ने पानी पिया है वो सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। जिसके बाद वेस्ली उस एक्टर को उसके रूम में आराम करने के लिए छोड़ देता है। उसके बाद उसे विंडो में से एक ज़ॉम्बी दिखता है जिसे देखकर वेस्ली को लगता है कि वो एक एक्टर होगा। जब वेस्ली उस कमरे से बाहर जाता है तब हम एक असली ज़ॉम्बी को देख पाते हैं जो कि वेस्ली को खाने के लिए जा रहा था, पर वेस्ली का उस पर ध्यान नहीं था बिकॉज वो फोन पर बात कर रहा था। और लकीली वेस्ली उस ज़ॉम्बी के एनकाउंटर में ना आके वहाँ से आराम से चला जाता है। जब वो फोन पर बात करके वापस आता है तब उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वेस्ली वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है तब उसे हैरल्ड मिलता है जो कि डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहा था। वेस्ली हैरल्ड को बताता है कि वो भी एक स्क्रिप्ट राइटर है। नेक्स्ट सीन में हम सुजन को देख पाते हैं जिसके पास वेस्ली आता है। सुजन सबको खाना दे रही थी। वेस्ली उसे उस बीमार एक्टर के बारे में बताने लगता है, जिसे सुनकर सुजन को लगने लगता है कि शायद उसने जो खाना बनाया था उसी के चलते वो बीमार पड़ा है, पर वेस्ली उसे चिंता ना करने के लिए कहता है। देन हम टेन को देख पाते हैं जो कि वेस्ली और बाकियों को बता रहा होता है कि वो पहले रग्बी प्लेयर था और वो रग्बी खेलने में बहुत अच्छा था। नेक्स्ट सीन में एक क्रू मेंबर को वेस्ली उस सनकी डॉक्टर के पास ले जाता है जहाँ वो उसे अंदर भेजता है। एक्चुअली गाइज डायरेक्टर जो था वो इस सनकी डॉक्टर को भी इस मूवी में रख रहा था ताकि मूवी इस सनकी डॉक्टर के चलते और भी इफेक्टिव हो जाए। अगले सीन में वेस्ली डायरेक्टर के साथ होता है जहाँ वो उसे कहता है उसने एक ज़ॉम्बी मूवी की स्क्रिप्ट लिखी है। वेस्ली चाहता था कि वो डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट को पढ़े, जिस पर डायरेक्टर टॉयलेट में जाता है और वेस्ली को स्क्रिप्ट जोर से पढ़ने के लिए कहता है। वेस्ली उसे पढ़ता है और डायरेक्टर उसकी स्क्रिप्ट अंदर ले लेता है। थोड़ी देर बाद जब डायरेक्टर बाहर आता है तब वेस्ली उसे पूछता है कि स्क्रिप्ट कहाँ पर है, जिस पर डायरेक्टर उसे कहता है कि वहाँ पर टॉयलेट पेपर नहीं था इसलिए उसने उसकी जगह पर स्क्रिप्ट के पेज को यूज कर लिया है, जिसके बाद वेस्ली को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम एक्टर और एक्ट्रेस को देख पाते हैं जो कि रोमांटिक सीन शूट कर रहे थे। तभी वहाँ पर वेस्ली आ जाता है और उन्हें डिस्टर्ब कर देता है।
जिसके बाद एक्ट्रेस गुस्सा हो जाती है और डायरेक्टर को सुना के वहां से चली जाती है। जिसके बाद डायरेक्टर वेस्ली और सुजैन को वो सीन करने के लिए कहता है, जिस पर सुजैन कहती है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए वो ये सीन नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में हम उस सनकी डॉक्टर को देख पाते हैं जो कि अपने घर में एक असली ज़ॉम्बी को देखता है। इसके बाद वो वहां से डर के भाग जाता है और मूवी के सेट पर आकर कहता है कि असली ज़ॉम्बीज यहाँ पर आ रहे हैं, पर उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। जेसिका डायरेक्टर के पास आती है क्योंकि उसे टॉयलेट यूज करना था, पर वो उस गंदे टॉयलेट में नहीं जाना चाहती थी। जिस पर डायरेक्टर उसे गुस्से में कहता है कि उसे उसी टॉयलेट में जाना होगा। उसके बाद वेस्ली और एक क्रू मेंबर जेसिका को टॉयलेट के पास लेकर जा रहे होते हैं। जिसके बाद जब जेसिका टॉयलेट में होती है तब उसके अंदर से एक ज़ॉम्बी का हाथ निकलने लगता है, जिसे देखकर जेसिका वहां से भागने लगती है। जेसिका ये सब कुछ डायरेक्टर को बताती है और ये सुनने के बाद डायरेक्टर बेवजह ही वेस्ली पर गुस्सा हो जाता है। डायरेक्टर को लगता है कि ये वेस्ली का घटिया सा मजाक होगा। जिसके बाद डायरेक्टर उसे जेसिका को अच्छे से टॉयलेट यूज करने के लिए कहता है। देन वेस्ली जो है वो एक गड्ढा खोद देता है और जेसिका उसे टॉयलेट की तरह यूज करती है। उसके बाद जेसिका को ज़ॉम्बीज की आवाज सुनाई देती है और तभी उसके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वो जेसिका पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हम वेस्ली को देख पाते हैं जो कि पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और सपनों में डूबा हुआ था। तभी उसकी आंख खुलती है और उसे जेसिका कहीं पर भी नहीं दिखती। वेस्ली ये सब कुछ डायरेक्टर को बताता है और ये सुनने के बाद तो डायरेक्टर और भी गुस्सा था। तभी डायरेक्टर को जेसिका दिख जाती है जो कि ज़ॉम्बी बनी हुई थी। उधर वेस्ली को कटे हुए हाथ मिलते हैं जिसको देखकर उसे लगता है ये डमीज है, इसलिए वो उन्हें उठाकर वहां से ले जाने लगता है। तभी उसे डॉक्टर मिलता है जो कि ज़ॉम्बी बन गया था। वो वेस्ली पर अटैक कर देता है और वेस्ली सेल्फ डिफेंस में उस डॉक्टर को धक्का मारता है, जिसके बाद उसके पेट में एक लकड़ी घुस जाती है और उसके चलते ही वो जो सनकी डॉक्टर जो ज़ॉम्बी बन चुका था वो मारा जाता है। वेस्ली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और तभी वेस्ली एक आदमी को देख पाता है जो कि अगेन एक ओरिजिनल ज़ॉम्बी था और अपनी ही इंटेस्टाइन को खा रहा था। तब वेस्ली समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। डायरेक्टर जो है वो अपने क्रू मेंबर्स को जेसिका को उसके वैन में छोड़ने के लिए कहता है। उसके बाद जब डायरेक्टर शूट कर रहा था तब वहां पर असली ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। वो उन नकली ज़ॉम्बीज को खाने लगते हैं, जिसे देखकर डायरेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ हम एक्टर को देख पाते हैं जो कि अपने वैन के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज को देख पाता है, जिन्हें वो नजरअंदाज करके वैन में चला जाता है, जहां पर उसे जेसिका मिलती है। और उस एक्टर को लगता है कि जेसिका उसके साथ रोमांस करना चाहती है और वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। उसके बाद वेस्ली जो है वो सेट पर आ जाता है जहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। उसके बाद वेस्ली को सुजैन याद आती है और वो उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है। सुजैन के पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ा हुआ था तो वेस्ली वहां पर पहुंच जाता है और वो एक जूस स्मैशर से उस ज़ॉम्बी को मार देता है। उसके बाद एक ज़ॉम्बी उसे भी मारने आता है, जिसको देखकर सुजैन उसे मार देती है। वेस्ली उसे बताता है कि यहाँ पर सब लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वो उसे सब कुछ समझाता है, जिसके बाद वो दोनों टेंट में से बाहर निकल आते हैं। जिसके बाद हम क्रू मेंबर रैंडी को देख पाते हैं जो कि बाकी क्रू मेंबर्स को मार रहा था, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग ज़ॉम्बीज के चलते इन्फेक्ट हो चुके थे। रैंडी उन दोनों को ट्रक के अंदर बुला लेता है, जहाँ हेरल्ड के साथ कुछ और लोग भी बचे हुए थे। अब सब लोग सोचते हैं कि वो वहाँ से कैसे निकलेंगे, जिस पर रैंडी उन्हें कहता है कि इस ट्रक में बहुत हथियार है और इनकी मदद से वो यहाँ से निकल सकते हैं। रैंडी नीचे उतरकर ज़ॉम्बीज को मारने लगता है, पर वो बेवकूफ खुद को ही शूट कर लेता है। इसके बाद सब लोग ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं। इधर डायरेक्टर और उसका असिस्टेंट भी ज़ॉम्बीज से लड़ रहे होते हैं। वेस्ली और बाकी लोग वहां से जाने लगते हैं, तभी एक ज़ॉम्बी हेरल्ड को पकड़ लेता है, जिसके बाद हेरल्ड उसे मार देता है। पर हेरल्ड की नोटबुक वहां पर गिर जाती है, जिसको उठाने के चक्कर में वो भी मारा जाता है। और हेरल्ड को मरता देख के वेस्ली सुजैन और टेन वहां से भाग जाते हैं। इधर डायरेक्टर और उसका असिस्टेंट ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं ताकि ज़ॉम्बीज उन्हें काट ना सके। डायरेक्टर असिस्टेंट से कहता है कि अब टाइम आ गया है रियल ज़ॉम्बी मूवी बनाने का। एक्चुअली डायरेक्टर को कभी कोई अवार्ड नहीं मिला था, इसलिए अब वो चाहता था कि वो एक असली ज़ॉम्बीज के साथ मूवी शूट करे। इधर हम एक्टर को वैन से बाहर आता हुआ देखते हैं और ये तीनों ज़ॉम्बीज को मार रहे थे। तो एक्टर उन्हें पूछता है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहते हैं कि यहाँ पर असली ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। तभी वैन में से जेसिका बाहर निकलती है जो कि ज़ॉम्बी थी। वो लोग उसे वहीं पर बंद कर देते हैं। वो लोग उस एक्टर से पूछते हैं कि वो जेसिका के साथ क्या कर रहा था। तब वो एक्टर कहता है कि वो जेसिका के साथ इंटीमेट हो रहा था।
अब यहाँ पर सब लोग डरे हुए थे, इसीलिए सब लोग एक्टर को कहते हैं कि साबित करो कि तुम्हें जेसिका ने नहीं काटा। वो अपने कपड़े खोलकर उन्हें बताता है कि उसकी बॉडी पर कोई भी निशान नहीं है, लेकिन उन लोगों को उस पर भरोसा नहीं था क्योंकि वो जेसिका के साथ इंटीमेट हुआ था। तभी वहाँ से बहुत सारे ज़ॉम्बी आते हैं जिसे देखकर सब लोग भागने लगते हैं। भागते भागते वेस्ली को अपनी कार मिल जाती है जिसे वो स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर वो स्टार्ट नहीं होती। दूसरी तरफ हम अगेन डायरेक्टर और असिस्टेंट को देख पाते हैं जो कि फिल्म शूट कर रहे थे। डायरेक्टर अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो अपने आप को ज़ॉम्बीज के हवाले कर दे ताकि उनकी मूवी अच्छे से शूट हो और उसके बाद वो एक महान एक्टर बन जाएगा। डायरेक्टर की बात सुनकर असिस्टेंट उन ज़ॉम्बीज के पास चला जाता है जहाँ पर वो सब ज़ॉम्बी उसे काट कर खा जाते हैं, जिसके बाद डायरेक्टर उस कैमरा को अपनी तरफ करके खुद भी ज़ॉम्बीज के हाथों मारा जाता है। अब गाइस, इससे बेवकूफ डायरेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। खैर, यहाँ पर दूसरी तरफ वेल्सी और बाकी लोग रास्ते में आगे बढ़ रहे थे तभी पानी में से ज़ॉम्बीज निकलते हैं जिनसे लड़ते हुए टेन को एक ज़ॉम्बी बाइट कर लेता है, जिसके बाद टेन कहता है कि वो इन्फेक्ट होने से पहले सबको बचा कर रहेगा। आगे उन्हें एक व्हीकल मिलता है पर उसमें गैस नहीं थी, तो बचे हुए सारे जो लोग थे वो पासी के घर में छानबीन करने लगते हैं पर उन्हें वहाँ पर कुछ भी यूजफुल नहीं मिलता। तभी उन्हें उस घर में ज़ॉम्बी मिलता है जिससे वो शूट कर देते हैं, लेकिन अचानक एक्टर को कुछ होने लगता है और वो उन तीनों पर गन पॉइंट कर देता है। वो उनसे कहता है कि वो अकेला ही इन ज़ॉम्बीज से बचना चाहता है, जिस पर वेल्सी उसे कहता है कि तुम एक अच्छे आदमी हो तो तुम ऐसा मत करो। ये सुनकर एक्टर जो है वो गन को वेल्सी के हाथों में दे देता है और वो वॉशरूम में चला जाता है। जब वो अंदर था तो उसके अंदर से ब्लड निकलने लगता है और वो चिल्लाता है, जिसकी आवाज सुनकर टेन गेट पर आकर उसे पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है, जिस पर वो एक्टर कहता है कि हाँ, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस घर के आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। तब टेन सब लोगों से कहता है कि वो बाहर जाकर कार में किसी तरह फ्यूल डालेगा ताकि बचे हुए लोग यहाँ से भाग सके। इतना कहकर टेन जो है वो फ्यूल लेकर भागने लगता है और जब वो भाग रहा था तो वो सिर्फ यही इमेजिन करता है कि वो रग्बी का गेम खेल रहा है। और गाइस, आपको तो याद ही होगा स्टार्ट में टेन ने सबको बताया था कि वो एक रग्बी का प्लेयर है, तो ठीक रग्बी गेम की तरह ही टेन ज़ॉम्बी से बचते हुए फ्यूल बॉक्स को कार पर फेंक कर अपने आप को ब्लास्ट कर देता है, जिसके चलते बहुत सारे जो ज़ॉम्बीज थे वो वहाँ पर मारे जाते हैं। अब उसके बाद एक्टर भी ज़ॉम्बी बन जाता है बिकॉज वो भी जेसिका के साथ इंटीमेट होने के चलते इन्फेक्ट हो चुका था और वो एक्टर सुजन को काटने जाता है। अब वेस्ली अपना जो हाथ है वो बीच में ले आता है, जिसके चलते वो ज़ॉम्बी उसे काट लेता है और वेस्ली उस एक्टर को किसी तरह मार देता है। उसके बाद सुजन उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है क्योंकि अब वेस्ली भी इन्फेक्टेड था, जिसके बाद वेस्ली के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर उसका हाथ काट दे तो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, जिसके बाद सुजन उसका हाथ एक एक्स से काट देती है, जिसके बाद वो उसका हाथ एक गर्म तवे पर रख देती है ताकि ज्यादा ब्लड लॉस ना हो। अब ये सब करने के चलते वेस्ली को तो बहुत दर्द हो रहा था और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर में उस घर में बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिसके बाद वेस्ली होश में आ जाता है और वो सुजन को लेके वहाँ से भागने लगता है। वेस्ली एक गाड़ी में फ्यूल डालता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम देख पाते हैं कि सुबह हो चुकी है और वेस्ली अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुआ है, मतलब गाइस वेस्ली का प्लान काम कर गया था उसका हाथ काटने का। उसके बाद जब वो शहर पहुंच जाते हैं तब वो देखते हैं पूरा शहर ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है और सिर्फ सुजैन एंड वेस्ली ही बच पाए हैं और ये दोनों समझ जाते हैं कि वो दोनों भी ज्यादा दिनों तक यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाएंगे, जिसके बाद वेस्ली जो है सारे ज़ॉम्बीज को और इस सिचुएशन को एक मूवी शूट की तरह इमेजिन करता है और सोचता है कि ये सब एक मूवी की शूटिंग है और वो इस फिल्म का एक लीड एक्टर है और सुजैन उसकी एक्ट्रेस है, जो कि गाइस टेक्निकली सच बात थी। और वेस्ली के इसी इमेजिनेशन के साथ साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है, यानी कि गाइस इस मूवी का फाइनल आउटकम तो यही है कि एट द एंड सुजैन एंड वेस्ली भी ज़ॉम्बीज के हाथों मारे जाएंगे, बिकॉज गाइस सिर्फ इन दोनों का इतने सारे ज़ॉम्बीज में बच पाना नामुमकिन के बराबर है। तो दोस्तों, ये थी आई सर्वाइव्ड ज़ॉम्बी हॉलोकॉस्ट मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन पर कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, अब मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।